तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं बाइक को स्टार्ट कर दिया है, 1 लीटर पेट्रोल डाला है। अब 1 लीटर के बाद देखते हैं कितने किलोमीटर ये बाइक चलती है, तो पता लगेगा कितना ये माइलेज देगी बाइक। ठीक है, तो चलिए बाकी दोस्तों हमारे ख्याल से इसमें 1 लीटर पेट्रोल में बहुत ज़्यादा, तो अभी आपके सामने होगा कितना जाएगी। और बाकी उम्मीद नहीं है बाइक, और 110 cc के सेगमेंट में अगर हम देखें बाइक में, तो 100 cc के सेगमेंट से और इसमें हाँ कुछ फर्क तो है दोस्तों, फर्क है चलने में जो है बिल्कुल फ़र्क है। 100 cc और 110 cc में तो फ़र्क रहेगा ही है, तो इसमें भी फ़र्क दिख रहा है। और बाकी जो है कंसोल आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका एवरेज जो है वो 60 का दिखा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पर 60 का जो है दिखा रहा है एवरेज, अभी 68 भी जा रहा है, बट ऐसा नहीं है 68 का एवरेज देखिए इसका 82 का दिखा रहा है। ये चाल के ऊपर है दोस्तों, जैसे कि आप चलाएंगे जिस स्पीड में उस हिसाब से ये बाइक एवरेज निकालेगी, ये चीज़ आपको ध्यान रखिएगा, जो जिस स्पीड में आप चलाएंगे उस हिसाब से यहाँ पर एवरेज बताएगा। तो ज़्यादा आप एवरेज से मतलब टेंशन मत लीजिएगा कि ये इतना दिखा रही है तो इतना देगी, ये ऐसा नहीं है। जैसे भी आप देखो 73 का एवरेज दिखा रहा है, अभी जितना हम खींचेंगे तो उतना ही ये कम होता जाएगा। लेकिन इसका जो गियर शिफ्टिंग है दोस्तों, ये काफ़ी कट कर रहा है, मतलब काफ़ी जिसे जैसा लग रहा है बहुत गहराई में इसका गियर डाला गया है चेंज करने के लिए। अभी देखो 46 का दिखा रहा है एवरेज, तो ये जो है ऑटोमेटिक ही कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा है, जो कि ऐसा नहीं है। सस्पेंशन की अगर हम बात करें, जैसा कि जो सस्पेंशन इसका कैसा काम कर रहा है, तो सस्पेंशन काफ़ी टफ आपको हीरो की बाइक में मिलेगा, इसमें कुछ कहने की बात नहीं है, ना किसी की जो है बुराई करने की वो बात है। लेकिन इसमें जो है जो टेस्ट राइड की बात करें, यानी टेस्ट ड्राइव की बात करें, तो मैं जो राइड कर रहा हूँ राइड, तो ऐसे तो सी सी में अगर देखा जाए तो चलने में काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, चलने में बढ़िया चल रही है, दिक्कत नहीं है, मतलब साफ भी चल रही है, बढ़िया लग रहा है। लेकिन बस एक चीज़ है दोस्तों यहाँ पर कि इसका जो मतलब जो फीलिंग्स है वो 110 cc की देखा जाए तो फीलिंग कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिक्कत जरूर है। और जी बाकी जो है अगर आप देखें तो इसका जो टेक्नोलॉजी वो ऐसे टेक्नोलॉजी के साथ पैसन एस्टेक में फुल LED आपको हेडलैम्प मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं LED हेडलैम्प आपको मिल जाएगा, और प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिलता है, डिजिटल मीटर आपको मिल जाता है, सर्विस इंडिकेटर भी आपको मिलेगा। आप एवरेज 93 दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, जो कि ऐसा कुछ नहीं। और बाकी चलने में बाइक हमें काफ़ी अच्छा चल रही है, 2 किलोमीटर अभी चली है, तो मान के चलो कि अभी ये 20 का एवरेज दिखा रही है। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि 900 ml के ऊपर ये बाइक में पेट्रोल काम करता है, ये चीज़ है, क्योंकि इसमें जो है पेट्रोल 1 लीटर पूरा यूज़ नहीं आएगा, 900 ml के ऊपर जो आप डालेंगे वो पेट्रोल आपके लिए यूज़ में आएगा दोस्तों। इसी का बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, नहीं तो आप 1 लीटर चलाने या जो है 2 लीटर 3 लीटर इसमें रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इसमें जो है 900 ml 1 लीटर डलवाएंगे, जिसे भी इसमें पड़ गया है, ठीक है 1 लीटर, तो आप इसमें जो भी डालेंगे, चाहे 10 का 20 का 50 जो भी पेट्रोल डालेंगे तो आपके यूज में आ जाएगा। अब देखिए बाइक शायद बंद हो गई, अभी चल नहीं रही है, बंद हो गई। अब देखिए आप सिर्फ 2 किलोमीटर शायद आई और उसके बाद बाइक बंद हो गई, ये क्या हो गया। ये मोड़ ले रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे, तभी मान के चलो इसका जो माइलेज वो निकल के आ रहा है, तो इसका अब उस हिसाब से भी पूरी चली नहीं हो सकता, इसमें 900 ml से ज़्यादा ही रखना पड़ सकता है, तो उस हिसाब से तो ये 1 लीटर
बल्कि 950 ग्राम के ऊपर ही ये बाइक चलेगी ऐसा हमें लग रहा है। यानी कि एक लीटर इसमें तुम्हें जो है आप सबको रखना ही पड़ेगा एक लीटर, ठीक है। बाकी जो है सस्पेंशन तो ठीक ठाक है, मजबूती की अगर हम बात करें तो सस्पेंशन काफ़ी इसका मजबूत आपको मिलेगा, स्प्लेंडर की अपेक्षा काफ़ी ठीक ठाक मिलेगा। और बाकी जो है चलने में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसके अनुरोध हम प्राइसिंग की बात कर लेते हैं तो इसके अनुरोध प्राइस जो है दोस्तों इस बाइक में वो आपको मान के चलिए मिलेगा जाके 92,000 रुपये इसकी जो है प्राइस है। और बाकी बाइक चलाने के बाद दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा, इसका 60 का माइलेज मान के चलिए आराम से मिल जाएगा क्योंकि 110 cc है तो 60 का माइलेज बहुत ही आराम से मिल जाएगा, ठीक है। बाकी मोबाइल चार्जिंग यहाँ पर आपको मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग भी आपको मिल जाएगा, साइड स्टैंड का आपको मिल जाएगा। और उसके बाद दोस्तों फुल LED आपको हेडलैम्प मिल जाएगा जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ सामने से, इस तरह से प्रोजेक्टर हेडलैम्प आपको मिल रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर पासिंग जब लेंगे तो ये देखिए आपको दोनों लाइट मिलेगी, तो इस तरह से प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी आपको मिल जाएगा यहाँ पर, और ये LED लाइट तो DRL लाइट भी आपको मिल जाएगी, तो इस तरह से आपको मिलेगा। तो दोस्तों इसकी ऑन रोड प्राइस जो है वो 92,000 रुपये में है। चलाने के बाद काफ़ी अच्छा बिल्कुल बाइक में लगा और कंफर्ट भी ज़्यादा ठीक ठाक है। और इसकी ऑन रोड प्राइस 92,000। वीडियो अगर पसंद आई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।